आज मैं आपको लेकर आ गया अजमेर के मारवाड़ी भैया के पास, जो कि अजमेर में लगाते हैं सबसे सस्ता मिक्स वेज पनीर पराठा, जिसको गट्टे और सेब की सब्जी का मात्र 25 रुपए में सर्व किया जाता है। और इनका ये पराठा इतनी ज्यादा स्टफिंग के साथ ओवरलोडेड होता है कि एक पराठे खा के इंसान का पेट भर जाता है। तो चलिए मारवाड़ी भैया से बात करते हैं और जानते हैं कि इतने सस्ते में पराठा कैसे खिला रहे हैं। ये सर सेम टमाटर की सब्जी है, ये सर गट्टे की सब्जी है, बेसन से बनाई जाती है। जी सर बेसन की है। सर हमारे यहाँ छाछ का ही बनता रहता। आज कौन सा पराठा लगाने जा रहे हैं? मिक्स पराठा लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू आ चुके हैं, प्याज हो गया, ये आ गया प्याज, और ये हो गया गोभी। तो फूल गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया गया। जी सर, जी सर। और ये पुदीना और ये हरा धनिया, और इसमें पनीर कट करके डालेंगे सर। तो एकदम फ्रेश पनीर यहाँ पे। जी सर बिल्कुल सर। तो पनीर को अच्छे से कट करके यहाँ पे कद्दूकस कर लिया जाएगा। तो भैया कैसे सोचा यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करने का आपने? सर सोचने को तो क्या है, जैसे अब कोई काम नहीं है, अलग अलग काम करते हैं फ्री टाइम में, यही काम दिखा, फिर वो काम भी छोड़ दिया मैंने, फिर यही काम रखा। जी सर ये काला नमक आ गया पहले, फिर वाइट नमक आ गया, और ये हमारे सभी जो मसाले होते हैं, ये थोड़ी सी हल्दी हो गई, ये बाकी मसाले जो मिक्स होते हैं हमारे, ये हल्का सा गर्म मसाला। पराठे की शुरुआत कितने रुपए से होती है? सर मेरे 20 रुपए से स्टार्ट है। सर 20 रुपए का प्लेन पराठा है, आलू पराठा 25 रुपए का है, गोभी पराठा 30 रुपए का है, पनीर पराठा 50 रुपए का है, लच्छा पराठा 30 रुपए का है। और सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं पराठे के? सर हमारे यहाँ तो सब्जी ज्यादा करते हैं, जैसे सब्जी मिर्ची रायता अचार चटनी। और गट्टे की सब्जी ज्यादा करते हैं? जी सर बहुत ज्यादा, गट्टे की सब्जी मेरे हफ्ते में दो बार बनती है, एक सोमवार को एक शुक्रवार को। एकदम आटा गूंद लिया गया है, अब यहाँ पे अच्छे से पेड़े बना दिए जाएंगे। तभी इतना सस्ते में कैसे दे देते हो यहाँ पे? सर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे है इतना ही बस, मार्केट इतना ही है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छे से देख सकते हो पराठे का बेला जा रहा है, तो साइज देख सकते हो काफी बड़ा है। जी सर ये तो ऊपर डाल दिया मैंने, पराठा देख सकते हो एक साइड से सिक चुका है, अब इसको दूसरी साइड से सेका जा रहा है। तो भैया ये बटर के साथ रहता है कि ऑयल के साथ रहता है? जी सर बटर के साथ मिल जाएगा, घी के साथ खाओगे तो घी के साथ भी मिल जाएगा, बाकी बढ़िया मूंगफली वाला तेल काम में लेते हैं। पराठा देख सकते हो अच्छे से सिक चुका है, और अब इसमें बटर डाला जाएगा। तो राजस्थान के अजमेर में देख सकते हो एकदम बढ़िया सर सस्ता यहाँ पे पराठा लगता है, अगर आपको यहाँ पे पराठे खाने हैं पूरे अजमेर में यहाँ से सस्ते आपको पराठे कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये आ गया अमूल बटर, तो अच्छे से आप कट करके इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। तो एक साइड से बटर लगा दिया, दूसरी साइड से इसको लगा के यहाँ पे इसको सेक लिया जाएगा। तो भैया ये पराठा लोग अजमेर में काफी पसंद करते हैं? जी सर बहुत ज्यादा। तो अजमेर से भी आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं लोग खाने के? सर जैसे बाहर से अभी यहाँ के अजमेर में या घूमने आते हैं जाहिर लोग, तो जो पहले आ चुके हैं यहाँ पे तो वो भी सर बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, 3:30 बजे बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ मैं, डेली सामान सब्जी अलग बनती है, सारी चटनी वगैरह जो भी है सामान सब 3:30 बजे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी सब्जियाँ बनती है एकदम राजस्थानी चावल बनती है? बिल्कुल सर मारवाड़ी। अच्छा, तो बिल्कुल मारवाड़ी। ये तो सर देखो कि शुरू से मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हलवाई का काम किया है तो वहाँ से जो हमारे और बड़े बड़े है उस्ताद उनसे सीखा हमने। भैया नाम बता दीजिए अपना। भैया रोहित वागले। कहाँ से आए आप? फायसागर रोड। कैसे लगते हैं पराठे यहाँ के? भैया बहुत अच्छे हैं, कई सालों से हम यहाँ के पराठे खा रहे हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है, और मेरी यहाँ पे फेवरेट है सेव की सब्जी और दाल। भैया यहाँ का रायता सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमारे को, और भैया रायते के लिए हमको मना नहीं करते, एक से दो बार भी मांग लेते हैं हम, इसलिए हम यहाँ पे आना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी जगह है, एक बार ट्राई अवश्य करना चाहिए। तो देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे पराठा हमारा लग चुका है बटर के साथ, इसको अच्छे से कट कर लिया जाएगा। साथ में क्या क्या लगेगा भैया? साथ में सर इसमें हरी मिर्ची आएगी, सेम टमाटर की सब्जी है, सेम टमाटर की सब्जी, और सर इसमें बेसन गट्टे की सब्जी भी है जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है, और इसमें लहसुन की चटनी भी आएगी सर, और ये आगे रायता। रायता तो ये कितने रुपए की प्लेट रहती है? ये सर सिंपल कितने की रहती है? 50 रुपए। 50 रुपए की? जी सर। सर आपकी मिक्स पराठे की प्लेट लग चुकी है, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली राजस्थान के अजमेर में मैंने यहाँ पे पराठा लगा लिया, सबसे सस्ता पराठा जो की 25 रुपए का रहता है, और यहाँ पे मिलता है राजस्थानी सब्जी के साथ, आपको गट्टे की सब्जी मिल जाएगी, सेब की सब्जी मिल जाएगी, लहसुन की चटनी मिल जाएगी, रायता मिल जाएगा, मिर्ची मिल जाएगी। तो स्टफिंग देख सकते हो कितनी बढ़िया है, इसके अंदर पनीर डाला हुआ है, आलू डाला है, धनिया डाला है, पुदीना डाला है, गोभी डाली है, सारी चीजों को मिक्स करके इसमें डाला गया है, और ऊपर से लगाया गया है अमूल बटर। तो राजस्थान में आए हैं, गट्टे की सब्जी तो यहाँ पे टेस्ट करने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लीजिए पराठे की, पराठा भैया ने काफी मसालेदार बनाया है, जिसमें उन्होंने पनीर डाला है, आलू डाला है, गोभी डाली है, काफी बढ़िया टेस्ट आ रहा है, और ऊपर से जो अमूल का मक्खन लगाया है उससे इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया आ रहा है। तो हल्की सी स्पाइसी है ये, और गट्टे की सब्जी काफी टेस्टी बनाई है, मसालेदार बनाई है। साथ में देख सकते हो उन्होंने सेब की सब्जी भी लगाई है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो इनकी गट्टे की सेब की सब्जी काफी ज्यादा टेस्टी बनी है, काफी मसालेदार है, तो अगर आप राजस्थान के अजमेर में आ रहे हो तो आपको ये खाने को तो मिलेगी ही, और काफी टेस्टी बनाई है, मजा ही आगे खाके। तो टाइमिंग क्या रहती है यहाँ? सर सुबह 8 बजे ऑन हो जाता है। अच्छा। और 3 बजे क्लोज। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं यहाँ पे? कोई छुट्टी का काम नहीं है, कोई वजह से छुट्टी हो जाए वो बात एक अलग है, बाकी छुट्टी करने का कोई काम नहीं है। दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे अजमेर में है? जी सर दुकान का नाम है बालाजी फूड कॉर्नर के नाम से, और ये अपने मित्तल हॉस्पिटल के पीछे सिनेमल टाकी उसके पास में है। तो अगर आप भी अजमेर विजिट करो यहाँ पे आके, इतने सस्ते में यहाँ पे आके पराठे खा सकते हो। 20 रुपए से यहाँ पे पराठे की शुरुआत हो जाती है, 50 रुपए तक यहाँ पे पराठा मिलता है। तो यहाँ पे आपको सब्जी अनलिमिटेड मिल जाएगी, रायता अनलिमिटेड मिल जाएगा, आपको जितना मर्जी डलवाना है आप डलवा सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
हवा